जेकर साहब एक लाइन लग जाती
शहर 72 किलोमीटर बन जाता है। एडा वड्डा नगर कीर्तन साढ़े श्रोमणी कमेटी प्रबंधक प्रधान सरदार गुरप्यार सिंह कौड़ा, मैं तो समझता कि यह साध संगत इस कौम के बुढ़े जरनैल इन्होंने इना हाथ इना नारा भी करके देखे है। अभी तो वर्कर साध संगत जी कई बैठने भी कोशिश करते थे, इन्हें क्या नहीं अभी सारी संगत ने ड्यूटी च खड़े होकर दर्शन करने सारा खलोते आए और इना सहयोग इस नगर कीर्तन इना समा इन्होंने दिता है। मेरे ख्याल है कि अभी तो किसी प्रोग्राम इना समा इन्हों देने नहीं देखा, पर जब का माफ करना प्रधान जी का यह परोपकार हमेशा सानू याद रहेगा। संत समाज ने जिन पा दिता अभी कह नहीं सकते, नगर के नगर कीर्तन की सेवा बहुत बहुत संप्रदायों के महापुरुषों वालों की गई, कीर्तनीय जत्थे वालों की गई। संगतों के प्रति मेरे कोई शब्द नहीं, गुरु की यह संगत कि शब्द किड़े शब्दों के नाल दास आदि का सत्कार करे। दास गुरु ग्रंथ साहब के चरण च अरदास करता, आप भी अरदास करो कि दास की सारी जिंदगी आप जी के जोड़े झाड़ देना निकल जाए। लंगर जड़िया संगतों ने नहीं छकिया, वह संगत लंगर छक के जा, क्योंकि लंगर बहुत वध्या पाया। दास साहब जी बेनती करते हुए साध संगत जी दास ने लंगर वाले भी कहा कि बाकी कमियां सब पूरी हो जाए, लंगर के भी कमी ना आए। जे लंगर संगत ढिडो भुखी रह जाए, वैसे तो कोई वड्डी गल नहीं, 40 सिख गुरु साहब के नाल सी साथ कि 6-6 महीने दिया भुखा ने मारे, तो एक पास सतगुरु पातशाह जी ने एडा वड्डा करड़ा इम्तिहान पाता, जिस इम्तिहान के परचा पाता साथ जिस परचे के खालस लंघना पाया। साथ संगत जी सतगुरु जी कहते हैं नाम प्रेम सिख, तो सिखी तुसा दी अज परखनी दे, तुसी सिख 40-10 लाख वैरी गुरु पंथ वाली लाज रखनी है। गुरु प्यारियो गुरु सवारियो दास कि शब्दों में थोड़ा सत्कार करे, और सिंह तो 6-6 महीने दिया भुखा ने मारे। साध संगत जी मैदाने जंग च लड़ते रहे, इस वारी असी कई कमियां रह गई ने, सर्दी की रुत सी आप जी वास्ते कई गलों का प्रबंध नहीं हो सकिया, पर असी संगत का वादा करते हैं आने वाले टाइम के साध संगत जी जदों असी नगर कीर्तन कढ़ांगे नगर कीर्तन को जावांगे असी घट्टो घट 1 लाख रजाई के बिस्तरे का प्रबंध करके फिर नगर कीर्तन शुरू करांगे। खालसा जी आप जी सर्दी का मुकाबला करना पवेगा, लंगर च कोई कमी नहीं सी। रात असी काफी देर तक खब्बे सज्जे फिरते रहे, कितने कितने कमियां रह गई ने, पूर्ण तो सतगुरु पातशाह आप ही ने, अभी तो अलपग हैं, पर साड़ी जिंदगी का एक साह की कोशिश है, एक जो पल की साड़ी कोशिश होती है कि संगत को वो तो वह फैसिलिटी दिखाई जा, संगत की वो तो वह सेवा की जाए। रात अभी लंगर वाले बेनती की, मैं कहा बाबा जी जे आप 1 लाख संगत के वास्ते रजाई जिस तरह आप तैयार करिए कि समा लगेगा, लगेगा बाबा जी सब तो वही गल है। आप इस तरह करो कि संगत नहीं है इतने डेरे में आके तो आप तैयार कर लवेंगे, अभी कोशिश करा आने वाले समय के लिए जिम्मे आ पंडाल लगे इवे 2 पंडाल पहला एक भाइयों दूजा बीबिया लाए जाएंगे, बकायदा चलदिया फिरदिया फ्लैश टाइप गड्डिया होनगियां जिन्हों गड्डियों नहाने का प्रबंध होगा, जिन्हों गड्डियों बाद विदेशों का जान का प्रबंध होगा। गुरु नानक जी इस संगत गुरु नानक जी इस संगत रात सानू भी कोई जगह नहीं मिल रही कि असी कितने ले जाइए कितने जाइए। कल नगर कीर्तन काफी दौड़ भज करनी पी, कदे खब्बे कदे सज्जे, एक दास आज होर बेनती करते चाहता है, आज कृपा करके राह जरा छोटे ने, कल सड़क लंबिया सी, मैं सारी सिख नूं बेनती करता यू टेक प्रोमिस विद मी, दास का वादा करो कि असी बाबा जी कली कली लैंगे चलन की कोशिश करांगे। साध संगत जी कल उहदा कारण की होया, गड़िया जी लैणा चार चार लग गई, अभी बड़ी कोशिश की कि छेती तो छेती टाइम से पुजा जाए, पर गुरु नानक साहब की संगत यह पहला समा साडे वास्ते जद कि समुचा सिख जगत एक कारले के रूप में
अपने ज्योति